नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोजी भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। दोस्तों, अप्रैल के 14 तारीख को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि से लेकर मेष राशि में जाएंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा कैंसर राशि वालों के लिए या फिर कर्क राशि वालों के लिए, आज मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आने वाले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इससे क्या होगा, मैं जो भी टाइप का फिर नोटिफिकेशन को चलाएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य जो हमारे सोल होता है दोस्तों, हमारे पिता होता है, हमारा कोई एल्डर गुरु होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये रिसीव करते हैं सरकारी काम काज को, सरकार से बेनिफिट, सरकार से टेंडर लेना, बुद्धि को, नेतृत्व क्षमता को, पराक्रम को, साहस को, आंखों में आग डाल के बात करने की क्षमता को, नया नया आइडिया को, या फिर कोई भी काम को लीडरशिप की तरह, लीडर की तरह एक बुरे से बुरे हालत से निकाल के एक सही हालत में लाना, एक काम को बुरी हालत में जो है उसको सही तरीके से इस काम को करना, इस तरह के काम में सूर्य कहीं ना कहीं रिसीव करता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का मिलता है, तो ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी कुंडली में सूर्य आत्मा होता है, आत्मा कारक होता है दोस्तों, क्यों कहने के तो आत्मा को, सोल को सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो सूर्य मेष राशि में जाके तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर जाके सूर्य अपने सारे काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों सन आपके कुंडली में अच्छे पोजिशन प्लेस है, आपके नेटल चार हो, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा। क्यों? देखिए दोस्तों, सूर्य आपके कुंडली में सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस जो आपके वाणी का होता है, जो आपके कुटुंब का होता है, जो आपके अर्ली चाइल्डहुड का होता है दोस्तों, आपके फिक्स एसेट का होता है, घर पर परिवार का होता है, आपके वाणी का होता है, और कोई भी ऐसा बिजनेस जो खाने से रिलेटेड हो, चाहे आप दवाई हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, इस तरह के हर एक सिस्टम, बैंकिंग, फाइनेंस, इस तरह के हर एक सिस्टम में आपके सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड बनता है आपके यहाँ पर सन। तो कहने के सूर्यदेव जस्तों दोस्तों, जब दोस्तों आपके यहाँ पर टेन हाउस में चले जाएंगे, देखिए दोस्तों टेन हाउस में जाके सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिग्बली भी हो जाएंगे, और दोस्तों अपने खुद के ओन साइन में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कैसा फ़ायदा? पहला, पिता के जो हेल्थ इशू अगर कोई हो रहा था, हेल्थ इशू में सुधार देखने को मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे मिलेगा, सरकार से बेनिफिट मिलेगा, सरकारी जॉब, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट। सरकार से अगर कोई टेंडर लेना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय होगा सरकार से टेंडर लेने का, सरकारी जॉब पाने का, अगर अच्छी प्रयास सब करें, पढ़ाई करने के बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा। बहुत लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, और फल कोई और खा जाता है, लेकिन इस समय आप जो मेहनत करें आपको उसी चीज़ का मेहनत का परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन होने के चांसेस, इंक्रीमेंट होने के चांसेस, आपके ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत मिलेगा। इस समय आप काम काज से बहुत ज़्यादा डूबे रहेंगे, शरीर में अलग एनर्जी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा समय आप नहीं दे पाए, तो घर में थोड़ा सा वातावरण सही नहीं रहेगा, पिता माता की सेहत में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर जगह काम करने के एक अलग एहसास आपको मिलेगा काम करने की। अगर हेल्थ कोई इशू हो रहा है तो उसको सही उपाय आपको मिल जाएगा, सही डॉक्टर, सही हकीम मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपके सीनियर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होगा, आपके जूनियर आपके बात सुनेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बातें सुनकर चलने वाले महसूस होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्षमता आएगी। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में देखा जाए तो टेन हाउस लेते आपको हर एक चीज़ में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। बहुत ही बड़ा समय है दोस्तों, आपके पुराने प्रॉपर्टी से अगर आप इस समय रिसेल करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अटका हुआ था सरकारी काम काज के वजह से, लॉ अगेंस्ट के वजह से, तो इस समय उसको सही उपाय आपको मिल जाएगा, उसको सही लॉयर मिल जाएगा आपको उसको छुड़ाने के लिए, या फिर उसको सेल करके उससे बेनिफिट लेने के लिए। इस तरह के हर एक चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, खासकर जो सरकारी जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा, प्रमोशन होने की चांसेस भी हमें बहुत हद तक मिलेगी। तो कहेंगे अगर आप लोग कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर दूर विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहा है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको सुधार करने की मौका भी मिलेगा दोस्तों। इस समय दोस्तों अगर नॉर्थ की साइड में जाएंगे, तो नॉर्थ की दिशा आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी, नॉर्थ दिशा में आप जा सकते हैं, नॉर्थ से कोई बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। कोशिश कीजिए भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से, अग्नि देने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इस समय आपको बेनिफिट होगा। कोशिश कीजिए हमेशा अपने पिता की आशीर्वाद लेकर चलने की, या फिर दोस्तों अपने वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की, क्यों सूर्यदेव वाणी में वाणी के कारक है, तो कहीं कि आपकी वाणी थोड़ा सा तीखर होगी, को थोड़ा सा बुरा भी हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा दोस्तों। अभी आपको जॉब में बहुत
अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बोला। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते रहना।